देखिए मसाला भुंजा गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं फिश करी, जो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत हेल्दी भी, अलग तरीका से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। 1 किलो मछली लिए हैं, धो के साफ कर लिए हैं। आज सहजन लिए हैं, ये छोटे टुकड़ा में काट लिए हैं, छील लिए हैं इसको। आलू भी बड़ा साइज के लिए हैं, उसको भी छिलका उतार लिए। बहुत सिंपल अलग तरीका से बनाने बताएंगे। के 12 बर्तन लिए हैं, मछली डाल दिए हैं, आलू भी इसी में डाल दे रहे हैं। ये इसमें डाल दिए सहजन, आलू भी डाल दिए। अब इसमें हम हल्दी डाल दे रहे हैं, लाल मिर्च के पाउडर है डाल दे रहे हैं, नमक डाल दे रहे हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स कर दिए हैं, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए गैस ऑन कर दिए हैं, कढ़ाई भी रख दिए हैं, तेल डाल दिए हैं गरम होने के लिए। देखिए मछली के 10 मिनट हो गया है रखी हुई। तेल गरम हो गया है, मछली के डाल दे रहे हैं। देखिए डाल दिए हैं मछली, लाल होने देंगे। पलट दिए हैं, पलट के दोनों पार्टी लाल कर लिए हैं। इसको निकाल लेते हैं। देखिए निकाल लिए हैं, इसमें भी दूसरा डाल दे रहे हैं। देखिए डाल दिए हैं, इसको भी लाल कर लेंगे। देखिए लाल हो गया है मछली, पलट दिए हैं, दूसरे साइड में फिर लाल कर देंगे। देखिए मछली के पलट पलट पका लिए हैं, लाल पूरा हो गया है दोनों तरफ। देखिए निकाल लेते हैं मछली को। देखिए सारा मछली भूंज के निकाल लिए हैं। आलू है डाल दे रहे हैं, आलू के भी भूंज लेंगे। आलू के भी लाल करके भूंज के निकाल लेंगे। देखिए आलू भी हो गया है, निकाल लेते हैं। उसी में सहजन डाल दे रहे हैं, इसको भी भूंज लेंगे। इसे चला लेते हैं, इसको हल्का लाल करेंगे। देखिए सहजन भी हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए तेल बचा है मछली भूंजे से, उसी में आओ तेल डाल दिए हैं, सरसों डाल दे रहे हैं। देखिए सरसों चटक गया है, अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। एक थो बड़ा करके प्याज काटे हैं, लंबा सेट में डाल दे रहे हैं। भूंज लेंगे तो ब्राउन कर लेंगे। 6-7 गो मिर्चा है कट लगा लिए हैं, डाल दे रहे हैं। देखिए प्याज लाल हो गया है, टमाटर लिए हैं, 3 ठो टमाटर है काट लिए हैं, डाल दे रहे हैं। इसको पका लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट बनाए हैं, इसमें काली मिर्च है, जीरा, धनिया, मिर्चा 4 ठो पेस्ट बना लिए हैं। यहाँ पर ये सरसों है, काला वाला सरसों लिए हैं, पेस्ट बना लिए हैं। मसाला को डाल दे रहे हैं, इसी में डाल के भूंज लेंगे टमाटर के साथ में। ला लेते हैं, हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, मिक्स कर लेते हैं। नमक डाल दे रहे हैं, नमक हिसाबे से डालेंगे, मछली में भूंजे हैं डाल के 3 चम्मच डाले हैं, अपना हिसाब से डालिएगा। तो मिक्स कर लेते हैं।
मसाला को भूंजेंगे अच्छे से, जब तक तेल नहीं ऊपर आएगा जब तक मसाला को भूंजेंगे। देखिए मसाला भूंजा गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसी में हम आलू डाल दे रहे हैं, सहजन रखे थे भूंज के डाल दे रहे हैं, आलू भी डाल दे रहे हैं, मसाला में भून जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। दस मिनट हो चुका है भूनते हुए, देखिए मसाला अच्छी तरह भुंजा गया है। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं, अगर पतली ग्रेवी रखेंगे। देखिए पानी डाल दिए हैं, ये पतला है, पकने देंगे, आलू पकेगा, ढक दे रहे हैं, कम गैस पर रखेंगे। देखिए पकते हुए 15 मिनट हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। मछली भी डाल दिए हैं, देखिए हो गया है, आलू भी पक गया है, ग्रेवी तो पतली रहेगी। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिए साथ अच्छे अच्छे रेसिपी के लिए। मिलते हैं नए रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।